आज हम लोग बसंत भाग 3 पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के पेज नंबर 25 के अंतिम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग पेज नंबर 23, 24 और 25 के कुछ भाग को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग 25 के अंतिम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आदर्श वाचन मेरे द्वारा। पहले महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब वे देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि देश जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्त पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। बच्चों, PPT आपको सदैव भेजी जाती रही है और इसमें से काम आपको दिया जाता रहा है। आज भी मैं आपको PPT भेज रहा हूँ और इसमें से जो आज आपको काम दिया जा रहा है वह इस प्रकार है। PPT 10 और 11 को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और PPT 16
PPT 16 जो क्वेश्चंस और आंसर आपको दिए गए हैं इसको भी कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद फ़ोटो खींच कर गूगल क्लासरूम में आप मुझे भेजेंगे और मैं इसको देखूंगा। बच्चों धन्यवाद।